नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और एक बड़ी खबर के साथ हूं मैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महीने के अंदर तीसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ये फटकार उसे कोरोना की व्यवस्था को लेकर के फेस करनी पड़ी है और संसाधनों में जो कमी दिख रही है उस पे हाई कोर्ट ने अपना कमेंट किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए काफ़ी टाइट किया है और कोरोना की दूसरी लहर में संसाधनों की कमी और गांव में बदहाली को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि यूपी सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को राम भरोसे छोड़ दिया है। समय रहते अगर इसमें सुधार नहीं आया तो ये साफ है कि तीसरी लहर को भी हम बुला रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने ये टिप्पणी जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान कही। बहुत ही गंभीर बातें हाईकोर्ट ने कही हैं यूपी सरकार को, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये जो हाईकोर्ट ने अपनी बातें कही हैं यूपी सरकार को, इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला जा रही हूँ। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हाई कोर्ट ने कौन सी बड़ी बातें हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों के 40% बेड जो है आईसीयू के लिए रिजर्व रखे जाएँ, और इसमें 25% जो बेड हैं वेंटिलेटर वाले हों और 25% हाई फ्लो नोजल कैनुला से लेस हों। 50% बेड जो हैं समान मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएं। गांव और कस्बों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलॉजिक लैब बनाई जाए, क्योंकि ये लैब बहुत ना के बराबर है। अगर गांव में किसी को कोई चीज़ का टेस्ट कराना होता है तो वो शहरों की ओर दौड़ते हैं, और हर ज़िले में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में आईसीयू वाली 2 एम्बुलेंस हों, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, 30 बेड से ज़्यादा क्षमता वाले हॉस्पिटल ऑक्सीजन के प्लांट वहां लगाए जाएं। सरकार खुद वैक्सीन बनाए और दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने के फार्मूले दे। बड़े औद्योगिक घराने धार्मिक गतिविधियों में खर्च होने वाला फंड वैक्सीन में लगाएं, ये भी हाई कोर्ट ने कहा है। और BHU गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ मेडिकल कॉलेजों को SGPGI का लेवल देना चाहिए, SGPGI का स्तर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य सचिव से कोरोना की रोकथाम और बेहतर इलाज की डिटेल प्लानिंग ली जाए, और नौकरशाही छोड़ करके एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके अच्छे से प्लान किए जाएं। कोर्ट ने गांवों और कस्बों में टेस्टिंग बढ़ाने का भी आदेश दिया है, और इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने SPGI लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की तर्ज पर प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में भी हाईटेक सुविधाओं वाले मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की बात कही है। ये प्रक्रिया 4 महीने के अंदर पूरी करनी चाहिए, इसके लिए जमीन और फंड की कोई कमी ना रहे। कोर्ट ने कहा कि इन 5 मेडिकल कॉलेज को ऑटोनमी भी दी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने बी और सी ग्रेड के कस्बों में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में आईसीयू की सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस तैनात करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ने बिजनौर, बहराइच, बाराबंकी, चरस्ती, जौनपुर, मेनपुरी, मऊ, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, देवरिया के जिला जजों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। ये नोडल अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन करवा करके अपनी रिपोर्ट जो है वो भी कोर्ट को देंगे। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के प्रचारक को सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम में कोविड और आईसीयू की वार्डों की डिटेल 22 मई को पेश करने के लिए कहा है। और इसके साथ ही सरकार ने
जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सुनवाई के दौरान वो अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सरकार ने ये कहा है कि महामारी से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कमेटी संबंधित जिले के नोडल अधिकारियों से चर्चा कर हर शिकायत का निस्तारण 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में करे। तो दोस्तों, ये आज कोर्ट का एक बड़ा डेवलपमेंट रहा है। कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता दिखाते हुए सरकार से कुछ बातें कही हैं, और ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो यूपी सरकार ना कर सके, और पहले से ही काफ़ी चीज़ों पे काम भी चल रहा है। इसमें प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में जो है हाईटेक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की जो बात है, इस पर पहले से ही काम चल रहा है, और इस बारे में और भी जो अपडेट होंगे मैं आपको देती रहूँगी। आप देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स, और कोरोना का प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करते रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और एमबी स्पीक्स देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।